शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को फिर से याद और सेवा पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कल भी बताया था कि कैसे शिव जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए, क्योंकि शिव जयंती का त्योहार नजदीक है, तो बाबा बच्चों को अनेक प्रकार के डायरेक्शंस सेवा अर्थ देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि शिव के मंदिर में जाकर के बाबा का परिचय दो, लेकिन बहुत संक्षिप्त में, टू द पॉइंट। फिर बाबा ने कहा कि अपने साथ मेडल्स लेकर के जाओ, मेडल अर्थात बैज। तो बाबा ने कहा जब बैज लेकर के जाएंगे तो उस पर समझाएंगे कैसे विश्व की बादशाही मिलती हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे मेडल अनेक संख्या, अधिक संख्या में लेकर के जाने चाहिए। कोई पूछे तो बोलो कि गरीबों के लिए तो फ्री है, अमीर तो देगा तो इससे औरों को मिलेंगे, इससे उनका भी भाग्य बनेगा। तो आज बाबा ने खास सेवा के ऊपर और याद के ऊपर बच्चों को बताया है कि क्या करना है, सेवा कैसे करनी है, और सेवा के साथ साथ जब याद करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 10 जनवरी 2015। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आज का प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? कौन सी दो बातें हैं? कौन बताएगा? जवाब दे दिया पहले। इसका उत्तर है पढ़ाई और सर्विस। पढ़ाई भी करो, याद भी करो और सर्विस करो। पढ़ाई और सर्विस, सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई प्राप्त होती है, लेकिन अभी तुम इस पढ़ाई से क्या लेते हो? प्रिंस और प्रिंसेस बनते हो। महाराजा तो एक होगा, बाकी कौन बनेंगे? प्रिंस और प्रिंसेस। आज का गीत है हमारी तीरथ न्यारे हैं, और आगे क्या है? ये धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, क्योंकि साकार बाबा के टाइम पर जब बाबा आते थे ना, कभी कभी ऐसा होता था पूरा गीत बजता था, कभी आधे में बंद करा देते थे, कभी बाबा एक ही लाइन होती थी बाबा उस समय बंद करा देते थे। तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारी तीरथ है। कौन सी तीरथ है? अब बताओ कौन सी तीरथ है आपके?
कौन से तीरथ है आपके? बाबा जी कहा, देखो आपका तीरथ है मुक्ति धाम, और दूसरा कौन सा तीरथ है? कमाल है, मधुबन भी तो तीर्थ स्थान है। मधुबन में तीर्थ स्थान में बैठे हैं और कई आते हैं तीर्थ स्थान पर। तो बाबा कहते हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम में पहुंचना है। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे, न्यारे भी हैं और बहुत प्यारे भी हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों तरफ आदि बहुत भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह निराकार बाप ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में तो बहुत मत मतांतर है, ये एक निराकारी मत निराकार बाप ही देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति को पाते हैं। इन बातों को कुछ नहीं जानते हैं कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, कैसे मिलती है, वो दुनिया वाले कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ ऐसे कह देते कि वे निराकार को मानने वाले हैं, अनेका अनेक मते हैं, सतयुग में होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मते होंगे, जितने मनुष्य उतनी मते। मनुष्य भी कई मत दे देते हैं, तो मनुष्यों की गिनती से तो मते ही ज्यादा हो जाती हैं। तो कितने मत देते हैं, हर एक मत अपनी अपनी होती है, इससे लाखों करोड़ों मते हो जाती हैं। घर घर में हर एक की अपनी मत, एक परिवार में चार होंगे, चारों के चारों कोनों में अलग अलग प्रकार से। तो बाबा कहते घर घर में हर एक की अपनी अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच से ऊंच मत देते हैं, ऊंच से ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है, ऐसा तो कोई चित्र बना नहीं सकता, कल्प वृक्ष का या साइकिल का चित्र तो ऐसा कोई बना नहीं सकता। तो पूछते ये क्या है, उनको बहुत पसंद भी आता है, ये क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है? बोलो ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप का वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से क्या होता है, बाप का वर्षा गवा दिया, जो मिला था उसको गवा दिया। आस्तिक बनने से मिलता है और नास्तिक बनने से गवा देते हैं। अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है, कौन सा धंधा है कौन बताएगा? नास्तिक को आस्तिक बनाना। तुम बच्चों का धंधा है नास्तिक को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है, ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है, ऐसा यज्ञ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरे, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचयिता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप का वर्षा है ही, अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, और भारत में आते हैं और आकर के ये कार्य करते, कौन सा, स्वर्ग की स्थापना का। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है,
ये बाबा है और ये दादा है, ऊपरी बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, ये बाबा है ये दादा है और नीचे क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये बाबा है ये दादा है। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराना की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। ये एम एंड ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बाबा ने त्रिमूर्ति का पहले शुरू शुरू में बैज बनवाया था, बहुत पुराना वो बैज। हमारे मनर भाई है ना, उन्होंने बहुत पुराने पुराने बैज कलेक्ट करके रखे, पहले एक बना फिर दूसरा बना, कई तरह के बने। तो बाबा ने जब ये बैज बनवाया था तो बाबा ने कहा इसके द्वारा बहुत सेवा कर सकते हो। बोलो अभी सुनो, बोलो शॉर्ट में दो अक्षर में आपको समझाते, जब ज्ञान दो तो उनको बताओ शॉर्ट में हम दो अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं। उस समय क्या था कि जब बैज बने थे ना, कई देह अभिमानी थे, वो बैज डालने में शर्म करते थे, तो इसलिए बाबा वो लोग समझते थे दुनिया वाले हमको पूछेंगे क्या है। तो बाबा ने कहा देह अभिमानी समझते ही नहीं है, परंतु देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं है, इनमें सारा ज्ञान है एक सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान क्या होना चाहिए, सारा ज्ञान क्या होना चाहिए कौन बताएगा? बाबा कहते बुद्धि में टपकता रहना चाहिए। बुद्धि में टपकना अर्थात विचार सारा मंथन करना चाहिए। तो बाबा कहते ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं और धारणा नहीं, चारों का बैलेंस चाहिए, ज्ञान योग धारणा और सर्विस। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें और बच्चे कोई सेवा ना करें तो बाबा क्या कहते हैं, तो ये बच्चे क्या काम के, किस काम के? बाबा आकर के सेवा करें और बच्चे सेवा ना करें तो वह क्या काम के, वह दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं? सेवा नहीं करेंगे तो दिल पर कैसे चढ़ेंगे? बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये नहीं जानते, राम राज्य कहेंगे लेकिन राम है कौन ये नहीं जानते। गाते भी हैं पति पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो क्या करो, उसको बाप का परिचय दो। ऐसा नहीं है कि और बहुत कुछ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, उसको बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देख करके समझाना चाहिए। अब सुना, कई बार कईयों को सुनने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्ञान सुना देते हैं, नहीं है तो उसको थोड़ा सुना के रवाना कर दो। जो बाबा कह है बच्चा बनने वाला, वो तो सुनते एक लाइन सुनते ही एकदम वो बाबा के याद में खो जाएगा। इसलिए बाबा कहते आदमी आदमी देख कर, मीन्स उसके नर्व्स को देख करके उसको ज्ञान दो। आदमी आदमी देख करके समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता।
श्री बाबा खुद कहते कैसे पढ़ाता हूँ, इस मेडल में समझाने एक सेकंड के हैं। कितना छोटा मेडल है परंतु समझाने वाले बड़े कैसे चाहिए, बड़े देही अभिमानी चाहिए। समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, वह बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, चार्ट रख करके देखो, अपना चार्ट रखो, अपने आप को चेक करो। सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है। कर्म तो करना है, यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन बाबा ने बताया कि यहाँ तो ये बिठा के प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कर्म में रहते हुए बाप को याद करना है। उस समय कर्म तो नहीं करते हो, तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब तुम्हारा टाइटल क्या होगा, कर्म योगी। तो बाबा कहते कर्म करते बाबा को याद करेंगे तब तुम कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें माया विघ्न डालती है, बहुत विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठे होंगे। अब चार्ट में क्या लिखेंगे, सारा दिन याद नहीं किया, सुबह जो याद किया वो चार्ट में, हम आधा घंटा योग में बैठे तो बाबा कहते वो भी तो योग का चार्ट सच्चा नहीं है, सारे दिन में कितना किया वो लिखो। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला जपते हैं, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं और बहुत संकल्प आते होंगे। भगवान को याद करते बुद्धि इधर घूमती रहती है, तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है और बाकी क्या करते हैं भक्ति में, राम राम करते टाइम देखते रहे, टाइम राम राम फिर द टाइम राम राम करते बुद्धि में दूसरी बात ही घूमेंगी। यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है ना, तो बाबा वो उदाहरण दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, और ये तो है तुम्हारा अजप्पा जाप। ये नई बात है ना, गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम देने से कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो, है सबको बैज लगा हुआ, जिसने आज ना लगाया हो शॉल पहन लिया हो बैज ना लगाया हो है, कहाँ है ये देखो, हाथ खड़ा करो जिसके पास बैज नहीं लगाया है। है सबके पास, कोट डाल दिया शॉल पहन लिया बैज अंदर का अंदर रह गया है, फिर से हाथ खड़ा करो। बाबा कहते थे बैज पहनना होगा तो वो नशा रहेगा, खुद को भी नशा रहेगा, पहले दूसरा देखे या ना देखे खुद को नशा रहेगा। इसलिए बाबा ने बैज की बहुत महत्व बताया, और बैज बहुत मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है कई बातों से, इसलिए ध्यान रखना। चाहे शॉल ओढ़ लेके आ गए पहले बैज नीचे जरूर डालो। अच्छा सुनो, अभी मेडल साथ में जरूर हो, बोलो ब्रह्मा बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। उस समय बाबा, क्योंकि शिव जयंती भी आ रही है, त्रिमूर्ति का परिचय देना है, तो बाबा उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप और वर्षा, इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी से प्रजा तो लाखों बनती रहती है, राजाएं थोड़े बनते। प्रदर्शनी से प्रजा तो बनानी है, लेकिन राजाएं कौन बनेंगे, जो अच्छी तरह धारण करेंगे।
उनकी प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है, प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर ऊंच पद पाएंगे। बाबा की तो जितनी सर्विस उतना ऊंच पद। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रहता है, कहते हैं नौकरी छोड़ दूं, नौकरी छोड़ के आके यहाँ बैठ जाएं। फिर बाबा ऐसे नहीं कहते सब छोड़ के बैठ जाओ, फिर बाबा ने राज बताया है। कहते नौकरी छोड़ दूं, खाने के लिए तो है ही, बाबा के बन गए तो श्री बाबा की ही परविश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं, अब सुनो, बाबा कहते मैंने तो वानप्रस्थ में प्रवेश किया है, इसने थोड़ी कारोबार छोड़ा था। कल बाबा ने कहा इसी के धन से तो यज्ञ स्थापन हुआ। तो बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया, माताएं भी जवान हैं, तो घर में रहते दोनों सर्विस कर सकती है। सुना माताएं, क्योंकि यही बैठ जाए, यही सेवा करते रहे। बाबा कहते घर में भी रहो, माँ भी सेवा करो, दोनों सेवा करो, और जब यहाँ मौका मिले यहाँ आके भी करो, फिर अपने घर में करो। घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सर्कमस्टांसेस को देख राय देते हैं। बाबा देखते थे, कईयों को बहुत उमंग होता था हम जाके समर्पण हो जाए, बाबा देखते थे कि सर्कमस्टांसेस हैं, तो बाबा उनको कहते थे परिवार में रहते हुए ट्रस्टी बन के सेवा करो। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करें तो हंगामा हो जाए। अब अच्छी ज्ञान में नहीं चलती है ना, ज्ञान की नहीं दर, तो बाबा कहेंगे एक तरफ किनारा करें। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार हैं तो कहेंगे, क्या कहेंगे कुमार को बाबा, क्या कहेंगे, तुम तो सेवा कर सकते हो। लेकिन फिर कुमार को बाबा ध्यान भी खिंचवाते हैं, माया भी खींचती है ना, तो इसलिए बाबा कहते तुम अपने को सेवा में बिजी करो। कुमार को कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई मिलेगी। है वो धूल छाई होता है, ऐसे धूल मिट्टी उड़ गई, धूल छाई मिलेगी। वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। अब क्या होता है, समय कैसा चलता है, तो बाबा कहते कुछ भी मिलने का नहीं, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। ये समझते हैं, वो समझते हैं कि पिछाड़ी वाले खाएंगे। बाबा बता रहे हैं कि पिछाड़ी वाले कैसे खाएंगे, कभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस, नेचुरल क्लेमिटीज आ जाती हैं। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी लगती है क्या? कभी बच्चे ऐसे निकल आते हैं, खत्म कर देते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। इससे इनसे सीखना है, किनसे सीखना है, किनसे सीखना है, ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा बच्चों को कितना रिस्पेक्ट देते थे, प्यार करते थे, रिगार्ड रखते थे, छोटों को भी रिगार्ड देते थे, सेवा करने वाले छोटे बच्चे उनको भी रिगार्ड देते थे। तो बाबा कहते इनसे सीखो, शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से सीखो कैसे सब बच्चों को प्यार से और रिगार्ड से चलाया। 21 जन्म के लिए भी रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वे ऊंच पद पाएंगे। सेवा करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो अंडरस्टूड है कि ऑटोमेटिक वो ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है, जो ऊंच पद पाएंगे उनका रिगार्ड रहना ही है। तो इसलिए बाबा कहते उनका रखो रिगार्ड। खुद भी समझ सकते हैं,
जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए क्या करना है? बेहद की राजाई के लिए बाबा कहते पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। ये है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इस पढ़ाई से तुम क्या बनेंगे? अब क्या बनेंगे माताएं बताओ, क्या बनेंगे इस पढ़ाई से? क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे हैं? क्या बनेंगे भाई बताएं? राजा बनेंगे या महाराजा बनेंगे या कुछ और बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे हैं? पक्का कर लिया कि महाराजा तो एक ही बनेगा, तो हम कौन बनेंगे? तो प्रिंस प्रिंसेस बनना भी कोई कम बात नहीं है, महाराजा के आसपास ही होंगे। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़ करके प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास वह साहूकार के पास जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह है अलग काल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का ओना रहना चाहिए। सर्विस का बहुत ओना मीन्स हाँ ध्यान रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, ऐसे करके बहुतों ने अपने अपने गांव में जाके सेवा की, सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं ऐसा सर्विस का शौक अभी कोई में है नहीं, अजन कोई में है नहीं, अजन मीन्स अभी। तो बाबा कहते बहुत कम है जिनको सर्विस का शौक है। लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए, अब दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि सेवा छोड़ के कहेंगे चलो हम सर्विस पे चले जाएं, बाकी काम छोड़ दो। तो बाबा कहते एक तो पहले धारणा, लक्षण, फिर अपनी ड्यूटी, सब बातों का बैलेंस जरूरी रखना है। तो लक्षण भी अच्छे चाहिए, ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का नाम बदनाम करें और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं, मेडल्स आदि के लिए कितना ओना रहता है। बाबा को बहुत ध्यान रहता था कि इतने मेडल्स बने, अच्छे बने, जिससे दूसरों की सेवा हो सके। फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। बाबा ने डायरेक्शन दिए, ढंग से नहीं बनाया, फिर बाबा कहेंगे ड्रामा में ऐसा है इसलिए देरी हो गई है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी फर्स्ट क्लास है। देखा है लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र? देखा? जिसने ना देखा हो हाथ खड़ा करो। सबने देखा है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा है तो फिर कल राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पार्ट देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं, हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। बाबा हमेशा बच्चों के लिए रहम की दृष्टि। बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं, आज ग्रहचारी है, हो सकता है ये ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती हैं तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। बाबा कहते अभी पुरुषार्थ कर लो, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाएगा। आज तो बाबा ने कड़ा शब्द कह दिया, सत्यानाश हो जाएगा। समझेंगे कल्प पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है, शरीफ मत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, श्री कृष्ण का देखते हैं ना, बाहर वाले आकर के मांगते हैं, वो किस लिए ले जाते? पूजा करने के लिए। कहते बड़ा अच्छा, कमरे में लगाएंगे, पूजा करेंगे।
लेकिन बाबा के जो तुम ही समझते वो थोड़ी समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से क्या होगा? उनको चित्र देखने से अच्छा लगता है, तुम देखेंगे तो क्या होगा इस चित्र को? तो बाबा कहते हैं चित्र को देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्कर बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती थी। साकार में बाबा क्या करते थे, चित्र के पास जाकर के मैं ये बनूंगा, बाबा बहुत खुश होते थे। बाबा खगी मार समझे ना, ऐसे ऐसे करना, बहुत खुशी में। तो बाबा बहुत खुश होते थे इस चित्र को देखकर। स्टूडेंट्स को भी तो ये खुशी होनी चाहिए, हम पढ़ करके ये बनते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। तो कोई तो कहेंगे ठीक है, जो भाग्य में होगा क्या करना है। बाबा की तो ऐसे नहीं, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। आज बाबा सीधे शब्दों में बता रहे हैं, पहले बाबा ने कहा सत्यानाश होगा, फिर बाबा ने कहा उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी, बुरी गति में से पद ऊंच नहीं पा सकेंगे तो बुरी गति होगी। तो पहले पहले कोई को भी इस मेडल्स पर समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको ये मिल सकता है। ऐसा तो नहीं कि उसको उतार के बैच दे दो, बैच देने से पहले क्या करते हैं, उसको समझाते हैं ये मेडल उसको मिलता है जो ज्ञान समझता है, जो धारणा करता है। तो वह फिर पूछेंगे, फिर आप उनको समझाएंगे, फिर ज्ञान समझेंगे, फिर उनको भी मिल जाएगा। वो पूछेंगे हमको ये मिल सकता है, हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ट देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे, बस सारा दिन यही सर्विस कर शिव के भक्तों को, क्योंकि शिव जयंती आ रही है ना। तो बाबा कहते शिव के भक्तों को ज्ञान दो। खास बनारस में शिव के मंदिर बहुत हैं, वहां पर अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके तो देखे। ये तो बाबा कहते जाओ करो देखो, तो है तो सहज। तो उस समय भी सेंटर नहीं खुला था, थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू हुई थी, तो बाबा पक्का करा रहे हैं, कोई करके तो देखे, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके तो देखो, सेंटर तो वहाँ है ही, सवेरे जाओ मंदिर में और रात को लौट आओ, सुबह सुबह जाओ रात दिन भर सेवा करके रात को वापिस आ जाओ, फिर सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो, ऊंच से ऊंच है शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, वो भी कौन सा है, बबुलनाथ, वो भी शिव का मंदिर है, नाम रखा हुआ बबुलनाथ। तो वहां भी बाबा कहते जाके सेवा करो, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये मेडल ही बस है, कुछ ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो ये बैज ऐसा है जहाँ भी पहन के जाओ तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं, ये बैज बड़ा अच्छा है, इसका क्या रहस्य है। तो बाबा ने उस समय कहा था, और आज इस बैज को देख करके कितने लोग इस पे पूछते हैं और समझते हैं। बाबा कहते ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके तो देखो, पहन के तो देखो, समझा के तो देखो। बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या, 10 लाख बनाओ। लाख तो अभी तो कितने लाखों बन गए हैं,
10 लाख तो क्या बनते ही जाते हैं। तो बाबा कहते एक मेडल, ये मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। फिर बाबा ने किसको याद किया, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, मन मना भव अक्षर भूल गए हैं। बाबा कहते केवल मुझे याद करो, मन मना अक्षर को याद करो, ने वो भी भूल गए हैं। भगवानों वाच्य है ना, कृष्ण थोड़ी भगवान है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा इन कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं, शिव बाबा इस कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं। फिर धक्का खाने की क्या दरकार है, बाबा जब इतना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे जास्ती अच्छी सर्विस कहाँ कर पाएंगे, कहाँ पर, शिव के मंदिर में। आज बाबा शिव का मंदिर याद कर रहे हैं ना, क्योंकि शिव जयंती आ रही है तो बाबा पक्का करा रहे हैं। तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए क्या करना है, अब ये बताओ, सर्विस की सफलता के लिए क्या करना है। बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को कैसा बनाना है कि सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस कर। देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। फिर उसके बाद दूसरा, दिल साफ तो मुराद हासिल। सर्विस में भी सच्चाई, देही अभिमानी स्थिति, दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, क्योंकि उस समय सेंटर नहीं खुला था वहाँ, फिर गुप्ता जी गए थे, उन्होंने जाके थोड़ी थोड़ी सेवा की थी, फिर धीरे धीरे सेंटर खुला। तो बाबा कहते हैं बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। आज बाबा बुजुर्गों को बता याद किया, क्यों बोला कि बुजुर्ग जाके वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम में जाएं, बुजुर्ग हैं खाली बैठे रहते हैं, उनको कोई सुनाने वाला चाहिए, उनको तो सुनने का टाइम होता है। वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय है ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, उस समय बाबा ने क्या कहा, अभी तो जाके बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ के ज्ञान सुनाते रहो और रात को आके आराम करो। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठकर सर्विस करो, ट्राई करके तो देखो ना। शिव बाबा खुद कहते हैं, शिव बाबा क्या कहते हैं, देखो हमारे कितने मंदिर हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे बहुत मंदिर हैं, तुम जाओ जाके सेवा तो करो मेरे मंदिरों में। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई कुछ नहीं कहेंगे। उसमें घबराते थे, मंदिर में जाएंगे लोगों को ज्ञान सुनाएंगे, सोचेंगे क्या सुनाने आए हैं, बहुत डरते थे। तो बाबा ने बल भरा, बोला मेरा मंदिर है, तुम मेरे बच्चे, तुम जाओ तो सही, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमको कोई कुछ नहीं कहेंगे और ही खुश होंगे, ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा है और ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, कितना इजी है, है ना, कितना इजी। बुजुर्ग की तो कोई इंसल्ट करेगा ही नहीं, सुना, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट करेगा ही नहीं। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है, और अभी तो बाबा को मालूम है कि काफी सर्विस हुई है, साधु महात्माओं के साथ मिलन भी होता है, महामंडलेश्वर के साथ,
अब बाबा जानते हैं बच्चे कैसे सेवा की है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको हम फ्री देते हैं। साहूकार है तो बोलो, क्या बोलो, तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा, तुम्हारा उनका भी हो जाएगा और बाबा कहते तुम्हारा धंधा भी, दूसरों को ज्ञान देने का धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके तो देखे, पहले करो तब तो होगा ना, किया ही नहीं है तो कैसे होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा विश्वराज समझा, जास्ती सर्विस करते लेकिन लक्षण अच्छे हो, दोनों बातों का बैलेंस हो तो उसको ऑटोमेटिकली रिगार्ड मिलता है और उसका रिगार्ड भी रखना है। दूसरा है कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः ही बन जाते हैं। जो साथ रहेंगे वो साक्षी बन जाएंगे, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हैं वे सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के लिए साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। वहां तो भक्ति में गाते रहेंगे झलक तो दिखा के जा, तो वहां तो कहेंगे झलक दिखा दो, साथ का एक सेकंड के लिए अनुभव करो। यहाँ तो बाबा सदन साथी हैं, भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। स्लोगन व्यर्थ संकल्पों की निशानी है, मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी मन उदास और खुशी गायब। जब खुशी गायब हो जाओ तो समझ लो कि व्यर्थ संकल्प है। अच्छा आज का होमवर्क, आवेग स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का होमवर्क, आज 10 तारीख है, चेक करो जो भी संकल्प उठता है वह स्वयं व सर्व के प्रति कल्याण का है। सेकंड में कितने संकल्प उठे
उसमें कितने सफल हुए और कितने असफल हुए, संकल्प और कर्म में अंतर ना हो। संकल्प जीवन का अमूल्य खजाना है, जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे एक संकल्प भी व्यर्थ